रायबरेली जिले के विकासखंड डीह परिसर में आज किसान यूनियन टिकेट गुट के मासिक बैठक ब्लॉक अध्यक्ष शिव प्रसाद यादव की अगुवाई में हुई संपन्न। किसानों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर खंड विकास अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। इस मौके पर शिव बहादुर सिंह आलम, जहीर जगेश्वर यादव सहित 2 दर्जन से अधिक किसान मौजूद रहे। हमारे क्या परिचय है आपका? हमारा है महेश्वर यादव जी, ब्लॉक डी जी। कहाँ आए हैं आज आप? हमारी यहाँ बैठक थी जी, एक मासिक बैठक जी, जी। और उसका ज्ञापन दिया गया। ठीक, क्या समस्या है? समस्या यह है कि जो आवारा पशु है जी, इनके लिए गौशाला के लिए जी। ठीक, और उसके बड़े ये जो का नाम लो ये आवास आवास है गरीबन के, मच्छर के हैं इनके सबके लिए। और जो कार्रवाई खुली बैठक हो कि किस लिए कि ये लाभ जो है ये लाभ गरीबों को नहीं मिल पाती है। यानी आपका कहने का मतलब ग्राम पंचायत खुली बैठक हो, खुली बैठक हो और जो है जो पात्र है उसको दिलवाया जाए। यानी एक चीज और है, हमारी एक मांग ये है कि जो सूची निकलती है वो सूची हमारे ब्लॉक अध्यक्ष को, भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष को एक सूची मिलना चाहिए कि ताकि हम लोग भी समझ सकें, भारतीय किसान यूनियन समझ सकें कि इसमें जिसके नाम पड़े हैं वो पात्र है या अपात्र है। मैं किसी का आवास तो नहीं कटवा सकता हूँ, लेकिन जिसको दिया ठीक दिया, पक्षपात आवास होते हैं। ठीक, जिसको दिया ठीक दिया, लेकिन हमारा कहने मतलब जेको पाने काबिल है उसको अब दिया जाए। जो पाया है उसको हमारा विरोध नहीं है, जेको पाने काबिल है उसको दिया जाए। आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला? ज्ञापन दिया तो हमारे अधिकारी ने कहा कि इसकी जो है हम अधिकारियों से खुली बैठक के लिए आदेश करवाएंगे और ये आपका जो भारतीय किसान यूनियन की मांग है इस मांग को अवश्य हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। आपको कहने का मतलब है कि ग्राम प्रधानों द्वारा खुली बैठक करवाई जाती है तो आप लोगों को सूचना नहीं दी जाती है? नहीं, कोई सूचना नहीं दी जाती, जबकि सरकार का आदेश है कि खुली बैठक डुग्गी खुली बैठक हो, जो है मनादी बजवा के बैठक हो जी। ठीक, और उसमें जानकार हो, उसमें तो ये होता है कि पता लगा कि भैया हैं कहें चलो या ठीक है या हमारा माना ही नहीं, और ऊपर से तो आदेश है कि सबको पात्र वाले को मिले, लेकिन यहाँ कट जाती है। कट करने का मतलब यह है कि जेको फिर उनके पक्षपात है उसको मिलता है, जिसको पक्षपात नहीं है उसको नहीं मिलता, कट जाता है। तो जिसको मिलता है वो भी सही, जिसको मिला वो भी सही। मुनादी करवा के बैठक नहीं करवाई जाती? मुनादी करवा के बैठक कहाँ करवाई जाती है भाई? पिछली बार जब एक बार करवाए थे तो बेतौरा में हुई है एक, जब पिछली बार हमने। क्या परिचय है भैया आपका? मैं भारतीय किसान ब्लॉक अध्यक्ष शिव प्रसाद यादव जी। आज आप कहाँ पर आए हैं? ब्लॉक डी में आए हैं। क्या समस्या है आपकी? हमारे किसानों की समस्या है कि आवारा पशु जो है इधर उधर घूम रहे हैं। अभी सरकार ने आदेश किया था कि जो जानवर इधर उधर घूम रहे हैं इनको गौशाला में पहुँचाया जाए और उनकी व्यवस्था करवाई जाए, लेकिन ऐसा यहाँ बैठक कैसे हुई? आज मासिक बैठक है हमारी राष्ट्रीय पंचायत राष्ट्रीय आह्वान के ऊपर 9 तारीख को बैठक होती है सभी ब्लॉकों में। क्या क्या समस्याएं हैं? समस्याएं हैं आवारा पशु है, आवास है, खड़ंजा है, नाली है। इस समय मच्छर बहुत लग रहे हैं जिससे बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। ग्राम सभाओं में सफाई कर्मी जाते नहीं हैं और नालियां कीचड़ों से भरी पड़ी हुई हैं। इसी तरह के कई समस्याएं हैं किसानों की, जिसको लेकर हम खंड विकास अधिकारी महोदय को अवगत कराने आए हैं। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है कि हम इस पर देखवाएंगे।